में हम लोग जानने वाले हैं बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कुश मिश्रा। आखिर में ये बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया है क्या? कई बार परीक्षाओं में इसका प्रश्न भी बना हुआ है बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में जरा इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया है क्या, इसके द्वारा क्या बनता है? बच्चों, बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं R है, दिस इज R ऑफ एल्किल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल समूह है और कार्बोक्सिल समूह का यहाँ पे सिल्वर लवण बन रहा है। बात समझ में आ रही है? कार्बोक्सिल समूह का यहाँ पे सिल्वर लवण बन रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कार्बोक्सिल समूह एक एसिड होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल, वो एसिड होता है कार्बन, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन से क्या बना है, एजी यहाँ पे लगा हुआ है, तो अम्ल का सिल्वर लवण। जब किसी अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से राइट CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इसका बहुत अच्छा बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है सिल्वर प्रोपियानेट। क्या नाम है इसका? सिल्वर प्रोपियानेट, राइट? इसका नाम है बच्चों सिल्वर प्रोपियानेट। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? ब्रोमीन से कराते हैं। जैसे आप सिल्वर प्रोपियानेट की क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे तो यहां पर बच्चों बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? एथिल ब्रोमाइड, राइट? ये एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बोरोडीन हुशडीकर अभिक्रिया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी अम्ल का लवण लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया C2H5COAG, तो सिल्वर प्रोपियानेट की क्रिया हमने BR2 करा दिया, CCl4 की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इधर से लवण से एजी विस्थापित होने के बाद ब्रोमीन से क्रिया करता है, AgBr बन जाता है, राइट? तो बच्चों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए।